इस हफ्ते बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ताओं ने सभी को संबोधित किया। वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के महासचिव बिशप थियोडिक के द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी के सिस्टर को नवजात शिशुओं को अवैध तरीके से बेचने के मामले में क्लीन चिट देने का मामला निंदनीय है। सहदेव ने कहा कि वर्तमान में पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। ऐसे में बिशप थियोडोर के द्वारा दिया गया यह बयान जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सैकड़ों नवजात शिशुओं को गैर कानूनी रूप से बेचने के तथ्य सामने आ रहा है। सरकार इस मामले में जांच कर रही है तथा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। ऐसे में कंगारू कोर्ट की तर्ज पर जांच पूरी होने के पहले ही आरोपियों को निर्दोष करार देना उचित नहीं है। श्री सहदेव ने कहा कि बिशप थियोडोर एक धर्मगुरु हैं, उनका काम संविधान के दायरे में धर्म के प्रचार करने का है, लेकिन उन्होंने रांची आकर राजनीतिक बयानबाजी की है और कहा है कि सरकार सरना और ईसाई मिशनरियों को आपस में लड़ाना चाहती है। ऐसे में बयान देना एक धर्म गुरु के लिए अशोभनीय है। अभी ही जा रहा, मुझे लगता है काफी सारे लोग, आप लोग जो यहाँ आज हैं, उस समय भी इतना बेहतर और बेहतरीन कार्यक्रम हुआ पार्टी का, उससे कुछ लोग पता नहीं लगता है शुद्ध है। और मैं बेशक इस कंक्लूजन पर पहुंचने वाले कैसे सक्षम व्यक्ति हैं, हम ये जानना चाहते हैं। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लोगों ने आतंक बनर्जी पहले ही रखा है, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में आतंक का राज कायम करके रखा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में समानांतर सरकार चला कर रखा है, वो अति निंदनीय है। और ममता बनर्जी को कोई नैतिक हक नहीं है इस तरह के बयान देने का। रघुवर सरकार के कार्य में, क्षेत्र में जो भी गलत करेगा उस पे कानून का डंडा चलेगा। ममता बनर्जी से हमें नैतिकता सीखने की आवश्यकता नहीं।